उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में पुलिस ने एक ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को दिल्ली का एक बड़ा अधिकारी बताकर ठगी करते थे। पुलिस ने इस मामले में दो फर्जी पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर और दूसरा सिपाही है। पुलिस ने इनके पास से ही स्विफ्ट कार, जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, वह भी बरामद की है। ये दोनों फर्जी पुलिस वाले जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं, जो कि आज मैनपुरी में ठगी की घटना को अंजाम देकर वापस दिल्ली जाने के लिए निकले थे। फिलहाल पुलिस अब फर्जी पुलिस बने इन दोनों ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी हुई है। सामने खाकी वर्दी पहने या दोनों पुलिस वाले असल जिंदगी में फर्जी पुलिस वाले हैं, जो कि लोगों को अपनी ठगी का शिकार कर अपनी खाकी का रौब दिखाकर बनाते थे। पर आज असल पुलिस वालों से आमने सामने पड़ने पर अपने आप को निर्दोष बताते हुए अपने को मुक्त कराने की गुहार लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला क्या है। शुक्रवार सुबह फिरोजाबाद जिले के थाना दक्षिण पुलिस को मुखबिर की सूचना के अनुसार दो पुलिसकर्मी मैनपुरी से ठगी कर लाल बत्ती लगी हुई स्विफ्ट कार से दिल्ली जा रहे हैं की सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत आनन फानन में वाहनों की चेकिंग शुरू करा दी। तभी सिकोबाद की तरफ से ग्रे कलर की स्विफ्ट कार आती दिखी। पुलिस ने कार को रोक कर दोनों फर्जी पुलिस कर्मियों को रोक लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। बाद में पुलिस उनको थाने ले गई। वहां दोनों पुलिस कर्मियों की तलाशी लेने पर उनके पास से फर्जी आई कार्ड, दो नकली पिस्टल और सरकारी विभाग से संबंधित दस्तावेज मिले। पकड़े गए दोनों पुलिस कर्मियों में से एक दरोगा भी अपने आप को सिपाही बता रहा था, जो कि मूल रूप से मैनपुरी के रहने वाला है और काफी समय से लोगों को अपनी वर्दी का रौब दिखाकर लोगों से ठगी करता था। अब देखना यह है कि क्या इनके पीछे किसी और का भी हाथ है, या इन नटवर लालों की तरह और भी कोई पुलिस वाला बनकर लोगों से ठगी करता नजर आएगा। कोई पुलिस पर्ची नहीं, पुलिस पुलिस हमने बताया नहीं है? पुलिस नहीं बताया। क्या बताया आपने? दिल्ली नागरिक सुरक्षा बताया। स्टार लगाई हुई है, दिल्ली नागरिक सुरक्षा लिखा हुआ है इस पे, ये भी लगा हुआ है दिल्ली नागरिक सुरक्षा का। इस पे आई कार्ड मिले, आपके आई कार्ड पे तो पुलिस लिखा हुआ है ना, उस पे दिल्ली नागरिक सुरक्षा भी लिखा हुआ, दिल्ली सिविल डिफेंस लिखा, ऑन ड्यूटी दिल्ली। प्रेस का भी कार्ड रखा हुआ है तुम्हारा? हाँ जी। तो प्रेस प्रेस में कहाँ से आ गया? प्रेस वो मेंबरशिप कार्ड है। अच्छा, दिल्ली सुरक्षा आपको दी गई, लाल बत्ती दी जाती है? नहीं नहीं, लाल बत्ती का क्या कर रहे थे? वो साहब की थी किसी गाड़ी के। तो आप यहाँ पे साहब के द्वारा से क्या लाल बत्ती चल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। वहीं पकड़े गए आरोपी का साफ कहना है कि उन्होंने कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं किया है, वे तो दिल्ली नागरिक सुरक्षा नामक संस्था के सदस्य हैं। वहीं कार पर लगी लाल बत्ती के बारे में पूछे जाने पर यह कार किसी अन्य अधिकारी के होने की बात कर रहे हैं। इसमें आज पुलिस लाइन के डबरी कार्यालय के सामने यह चेकिंग कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान एक लाल बत्ती लगी हुई स्विफ्ट कार आती दिखाई थी, जिसको हमारे एसओ और वहाँ पर उपस्थित कर्मचारियों ने रोका। उसमें से एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति जो कि उपनिरीक्षक स्तर का लग रहा था, और उसके साथ एक उसमें एक सहायक बैठे थे, जिन्होंने अपने को अपना रौब दिखाते हुए अपने को पुलिस दिल्ली पुलिस का उपनिरीक्षक बताया। चेकिंग उनको उतार संदेह होने पर उनको तलाशी ली गई, तो उनके पास से दो नकली पिस्टलें और नकली दिल्ली पुलिस का आई कार्ड, कई अनेक संदिग्ध कागजात मिले हैं। उनके पास लैपटॉप, चार मोबाइल फोन मिला है। पूछताछ प्रथम दृष्टया उन्होंने बताया कि ये जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं और लोगों से दिल्ली पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेते हैं, ठगी करते हैं और इनको देख लोग झांसे में आ जाते हैं। अभी और इसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, अभी नई जानकारी से इतना प्रकाश मिला है। सर, ये पता लगा अब तक उन्होंने कितने लोगों को ठग चुके हैं? अभी लोग दो तीन लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अभी इससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई है, अभी इनसे पूछताछ और की जाएगी। अभी तुरंत ही पकड़े गए, इससे ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। सर, ये कितना बड़ा रैकेट है ये, कहीं ये अभी तो ये पता लगा कि ये इनके साथ इनका एक सुदेश कुमार नाम का एक और आरक्षी के वर्दी में है, उसी में पूछताछ की जा रही है और क्या घटना क्या है। अभी तो दो ही लोग हैं। इनका कहना है दिल्ली नागरिक सुरक्षा, क्या कोई ऐसी कोई संस्था भी चलती है? ये इनका कहना है दिल्ली नागरिक सुरक्षा का है, तो वहाँ से भी पूछताछ किया जा रहा है। और लेकिन इनको स्टार लगाने और खासतौर से जो इन्होंने अपने इंस्पेक्टर लिखा अपने आई कार्ड पर, वो लिखना और साथ साथ जो है प्रेस का लोगो लगाना और जो है भारत सरकार के एम्बलम रखना और तमाम ऐसे संदिग्ध स्टर लेकर लगा चलना, तमाम सही ऐसी चीजें हैं जो संदिग्ध उत्पन्न कर रही थी, इसे रोका गया। ANG न्यूज ब्यूरो के लिए फिरोजाबाद से लवकुश शर्मा के साथ राहुल।